Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. ...2022 विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। चुनाव में 6 महीने से कम का समय बचा है। ऐसे में राजनीतिक दलों के साथ साथ प्रत्याशियों ने भी अपने क्षेत्रों में माहौल बनाना शुरू कर दिया है। ऐसे में यूपी का मऊ जिला भी इससे अछूता नहीं है। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के इस गढ़ में भी चुनावी बयात बहने लगी है, जहाँ मऊ सदर सीट से विभिन्न पार्टियों के अनेक प्रत्याशी टिकट के लिए ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। तो बता दें कि मऊ सदर सीट पर कई वर्षों से बाहुबली मुख्तार अंसारी का कब्जा है और बाहुबली की बादशाहत का कोई चुनौती नहीं दे सका है। लेकिन इस बार समीकरण कुछ बदले हैं, क्योंकि बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी पर सीएम योगी ने लगातार कार्रवाई कर उसके किलो को कमजोर कर दिया है। ऐसे में सदर सीट पर बीजेपी कब्जे के फिराक में है और इस सीट पर बीजेपी और मुख्तार के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। ऐसे में बीजेपी के कई नेता टिकट के उम्मीदवार के लिए ताल ठोक रहे हैं, जिनमें हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष अभय सिंह सोनू का नाम भी प्रमुख है। इन दिनों अभय सिंह सोनू का नाम सुर्खियों में है, जिसका जीता जागता उदाहरण उस समय मिला जब आजमगढ़ के अतरौलिया में बहिरा देव के आश्रम में श्री 1008 मुसई महाराज के मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में जब अभय सिंह सोनू 50 गाड़ियों के काफिले के साथ जब पहुंचे तो लोग देखते ही रह गए, क्योंकि इस कार्यक्रम में यूपी सरकार के राज्य मंत्री श्री राम चौहान सहित कई बड़े नेता मौजूद थे। लेकिन अभय सिंह सोनू ने अपने काफिले से तहलका मचा दिया। अभय सिंह सोनू की मानो तो वे जनता की सेवा में लगातार जुटे हुए हैं और वो विकास पुरुष स्वर्गीय कल्पनाथ राय के पदचिन्हों पर चलकर जिले के विकास को रफ्तार देना चाहते हैं। यही नहीं, अभय सिंह सोनू की माने तो वो मऊ में नेता नहीं बल्कि जिले का बेटा बनकर सेवा करना चाहते हैं। ऐसे में जिले की जनता का भरपूर प्यार भी अभय सिंह सोनू को मिल रहा है और सूत्रों की माने तो मऊ सदर सीट से टिकट के दावेदारों में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी हाईकमान जिले में अभय सिंह सोनू जैसे युवा पर अपना भरोसा जताती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चारार्थे गन्धाग्रतपुजपाणि समर्पयामि नन्दायै नमः भद्रायै नमः जयायै नमः रक्तायै नमः महापद्माय नमः।
Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.